चीन ने देश के कई राज्यों में पिछले एक हफ्ते से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन वहां हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सभी 31 प्रांतों में कोरोना वायरस फैल चुका है। वहीं चीन के करीब 12,000 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के नए मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं बचे हैं। मालूम हो कि शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। शंघाई से 20,000 लोग बैंकों में ही रह रहे हैं। शंघाई में पूर्ण लॉकडाउन के कारण बैंकिंग और अन्य गतिविधियां बाधित नहीं हो, इसलिए शंघाई के लगभग 20,000 बैंकर्स दफ्तर में ही रहकर काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से उनके लिए रुकने व खाने की व्यवस्था की गई है। शंघाई में रोबोट से हो रही है अनाउंसमेंट। शंघाई रोबोट के जरिए घोषणा की जा रही है कि वहां की सड़कों पर चार पैरों पर गश्त करते हुए गली गली जाकर लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं करते हुए रोबोट को देखा जा सकता है। कहीं लॉकडाउन से राहत, कहीं सख्ती बरकरार। चीन के जिलिन शहर के लोग 3 हफ्ते से अधिक समय तक लॉकडाउन में रहने के बाद अब घर से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें मास्क पहनना होगा, घर के अंदर 1 मीटर की दूरी पर रहना होगा। वहीं पार्कों व चौराहों पर सार्वजनिक सभा को करना प्रतिबंध रहेगा। वहीं पश्चिम में आधे हिस्से में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके अलावा कहीं और प्रांत में कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।